हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर पुजारा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डीबीजी गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड इन दिस लेक्चर वील डू सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दिस क्वेश्चन हेयर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू divided by under root x with respect to x. So now this x square minus 2 upon under root x can be written as x square upon under root x minus 2 upon under root x. इस पूरे function का हमने integration करना है. Now in this integration there is difference of two functions. So this integration can be written as difference of two integrals, that is x square upon under root x को लिख सकते हैं, x की power 1 by 2 का integration हो गया ये, minus this is 2 by x raised to the power 1 by 2 dx. Now x square upon x raised to the power 1 by 2, it can be written as x square upon x की power 1 by 2 हो जाएगा, x की power 2 minus 1 by 2 dx प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है विच कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 बाय 2 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2. सो दिस बिकम्स, इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 बाय 2 dx माइनस 2 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dx. Now, what is the integration of x raised to the power 3 by 2? We know that integration of x raised to the power n is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, where c is arbitrary constant of integration. ये हमें पता है, हम last lecture में हम कर चुके हैं. So now, using this result, integration of x raised to the power 3 by 2 becomes x raised to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 minus 2 times x की power minus 1 by 2 का integration हो जाएगा x raised to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c, and this is equal to what? Now 3 by 2 plus 1 becomes 5 by 2. So इसको जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे सो इट विल बिकम 2 बाय 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बिकम्स 1 बाय 2. सो इट विल बिकम 2 इंटू 2 एक्स रेज टू द पावर 1 बाय 2 प्लस सी. सो दैट इज इक्वल टू 2 बाय 5 एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 2 माइनस 4 x raised to the power 1 by 2 plus c, where c is your constant of integration. So this is how you can solve such type of question. So students, now let us discuss our second question. This is integration of x upon under root 1 plus x dx. सो यहाँ पर देखिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट है और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ x है. सो विल ट्राई टू मेक 1 प्लस एक्स इन द न्यूमरेटर. सो इन द न्यूमरेटर वी एड एंड सब्ट्रैक्ट 1. सो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज नथिंग बट x ओनली, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स. ना अब हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स को एक बार 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर लेंगे और एक बार सिर्फ 1 से. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स. सो ना इन दिस इंटीग्रेशन यू हैव difference of two functions, so this can be written as
दो इंटीग्रल्स का डिफरेंस लिख लेंगे हम यहाँ पर. सो फर्स्ट वन इज़ 1 + x अपॉन अंडर रूट 1 + x. सो दिस बिकम्स अंडर रूट 1 + x और 1 + x रेज टू द पावर 1/2 dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x कैन बी रिटन एज 1 + x की पावर माइनस 1/2 dx. ऑल राइट. सो नाउ 1 + x रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंक्रीज द पावर बाय 1, 1/2 + 1 बिकम्स 3/2 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. इन द सेम वे 1 + x की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 + x की पावर माइनस 1/2 + 1 दैट बिकम्स 1/2 डिवाइड बाय द इंक्रीज्ड पावर दैट इज 1/2 प्लस सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑल राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज 2/3 1 + x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 × 1 + x रेज टू द पावर 1/2 प्लस सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 + 1 अपॉन x + 1 dx. यहाँ पर देखिए जो आपका न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, और अगर न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हम न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक आपका रिमाइंडर रिमाइंडर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस ना हो जाए. तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 1 डिग्री का एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम इस पॉलिनोमियल से न्यूमिरेटर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट ना बच जाए. सो इसको डिवाइड करते हैं. सो हमने एक्स प्लस वन से एक्स रेज टू द पावर 4 + 1 को डिवाइड करना है. तो सबसे पहले ये जाएगा एक्स क्यूब करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 + x³. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -x³ + 1. अब ये आप यहाँ पर आपको -x² लेना पड़ेगा. सो दिस विल बी -x³ - x² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे पास x³ से x³ कैंसिल हो गया, ये बचा x² + 1. नाउ ये जाएगा x पे, तो ये आ गया आपका x² + x. अब एक बार फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास बचा -x + 1. नाउ वी विल टेक हेयर -1, सो इट विल बिकम -x - 1. अगेन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट ओनली 2 हेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2. सो द रिमाइंडर इज 2 हेयर. सो वेरी क्लियरली एक्स रेज टू द पावर 4 + 1 को आप क्या लिख सकते हैं? इस कैन बी रिटन एज x + 1 × x³ - x² + x - 1 प्लस आपका जो रिमाइंडर बचा 2. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x + 1 देन dx. सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? जब आप x + 1 × x³ - x² + x - 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो x + 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद x³ - x² + x - 1 dx प्लस 2 upon x + 1 dx. Now this can be written as integration of x³ - x² + x - 1 dx प्लस 2 upon x + 1 में से 2 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
और बचेगा 1 अपॉन x + 1 dx। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इज इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, सो दिस विल बिकम x^4 अपॉन 4। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बिकम्स x³ अपॉन 3। प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाय 2 माइनस। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx कैन बी रिटन एज x^0 into dx। सो x^0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x^0 + 1 अपॉन 1, सो दैट इज ओनली x। तो इस तरह से हम dx का इंटीग्रेशन, हम क्या कहते हैं कि dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x के इक्वल होगा। सो दिस इज माइनस x हेयर प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन x + 1, दैट इज सिंपली log ऑफ x + 1। अगर x का कोई कोफिशियंट होता है यहाँ पर, हम उस कोफिशियंट से इसको डिवाइड कर देते। यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज सिंपली 2 टाइम्स log ऑफ x + 1 प्लस c, वेयर c इज योर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। फाइन, सो कॉन्टिन्यूइंग वील डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज, यू हैव टू इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ 1 बाय √5x + 3 + √5x + 2 dx। इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में 5x + 3 प्लस अंडर रूट 5x + 2, डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, या न्यूमिनेटर में कुछ हो भी तब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजिंग करते हैं। और रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, देखिए आपका 1 अपॉन √5x + 3 + √5x + 2 dx है, तो इसमें हम √5x + 3 - √5x + 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम √5x + 3 - √5x + 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर रैशनलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये पूरा आपका न्यूमरेटर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया √5x + 3 - √5x + 2, दिस होल डिवाइडेड बाय, नाउ दिस इज योर √5x + 3 + √5x + 2 into √5x + 3 - √5x + 2, so you can use the formula a + b (a - b) = a² - b². So what does this become? So this becomes √5x + 3² - √5x + 2² dx. So this is equal to √5x + 3 - √5x + 2 whole divided by √5x + 3² करेंगे तो 5x + 3 आ जाएगा, माइनस √5x + 2 का स्केयर करेंगे तो 5x + 2 आ जाएगा। नाउ 5x + 3 - 5x, ये -2 हो गया, 5x कैंसिल हो जाएगा 3 - 2, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 बचा, एंड वी गॉट दिस टर्म हेयर √5x + 3 - √5x + 2 dx, or it can be written as √5x + 3 - √5x + 2 dx. Now 5x + 3 - √1/2 का इंटीग्रेशन जब आप क्या करोगे, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 5x + 3 की पावर 1/2
plus 1. So 1 by 2 plus 1 becomes 3 by 2. और फिर हम इसको 3 by 2 से डिवाइड भी करेंगे. और इसके साथ साथ क्योंकि ये सिंपल 5x या सिंपल x नहीं है, इट इज़ 5x plus 3, तो जो x का कोफिशियंट है 5, उससे भी आपकी ये टर्म डिवाइड होगी. माइनस इसी तरह से 5x plus 2 की पावर 1 by 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा 5x plus 2 की पावर 1 by 2 plus 1, दैट इज अगेन 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 इंटू जो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है, अगेन 5. सो दिस बिकम्स 3 इंटू 5 बाय 2, 15 बाय 2. और जब इसको ऊपर हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2 बाय 15. यहाँ पर प्लस सी हम लिख देते हैं, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो सी यहाँ पर हम जरूर लेंगे, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज 2 बाय 15, 5x प्लस 3 रेज टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 2 बाय 15, 5x प्लस 2 की पावर 3 बाय 2 प्लस सी, दैट इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 बाय 15, 5x प्लस 3 की पावर 3 बाय 2 माइनस 5x प्लस 2 की पावर 3 बाय 2 प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑलराइट, तो इसमें हमने जो फार्मूला यूज किया है यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में, वो ये है कि अगर आपने ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो आप ए एक्स प्लस बी की पावर एक इंक्रीज कर देंगे और उस इंक्रीज पावर से इसको डिवाइड करेंगे, और साथ के साथ आप इस पूरे ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन को ए से भी डिवाइड करेंगे, विच इज़ योर कॉफिशेंट ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर ए लॉग एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स लॉग ए डी एक्स. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, देखिए ई की पावर ए लॉग एक्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर ए. देखो जो ये ए है इसको अगर हम लॉग के साथ लेके जाएं तो ये पावर में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एम इंटू लॉग एन क्या होता है. सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन रेज टू द पावर एम, ये होता है ना हमारे पास दिस फार्मूला वी हैव यूज्ड हियर. सो दिस बिकम्स ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर ए प्लस, इसी तरह से एक्स लॉग ए को हम क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, अब आपको पता है ई रेज टू द पावर लॉग एक्स रेज टू द पावर ए क्या होगा, ये होगा एक्स की पावर ए, और ई की पावर लॉग ए एक्स क्या होगा, ये होगा ए की पावर एक्स. ये कैसे आया, बिकॉज ई रेज टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज टू द पावर ए की इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर ए है. पहले तो देखो ये आपका इट इज़ सम ऑफ टू फंक्शंस, तो इसको दो अलग अलग इंटीग्रल्स के सम की फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर ए डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स. यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये एक्स की पावर है सो इंक्रीज द पावर बाय वन डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, प्लस ये ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला किया था ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस यू आर सी, वेयर सी इज
कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर आंसर. ऑलराइट. सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स. नाउ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सो इट विल बी इक्वल टू, देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ई रेज टू द पावर एक्स इंटू वन. सो यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइड बाय ई रेज टू द पावर एक्स का अंडर रूट. तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स. सो नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वन प्लस टू टाइम्स ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एक्स बाय टू. ई की पावर एक्स की पावर वन बाय टू हम लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स बाय टू. इंटीग्रेशन हम इसमें लिख लेंगे साथ के साथ. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स बाय टू डी एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाय टू डी एक्स प्लस टू इज ए कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाय टू डी एक्स. सो नाउ दिस इज ई रेज टू द पावर टू एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाय टू. इट विल बिकम ई रेज टू द पावर टू एक्स माइनस एक्स बाय टू एंड टू एक्स माइनस एक्स बाय टू मतलब थ्री एक्स बाय टू. सो ई रेज टू द पावर थ्री एक्स बाय टू डी एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स बाय टू को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स प्लस टू टाइम्स दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाय टू. सो ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाय टू क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स बाय टू डी एक्स. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को. देखिए ई की पावर थ्री एक्स बाय टू फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको कौन सा यूज करेंगे हम. ई की पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी ई रेस टू द पावर ए एक्स एज इट इज डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ ए दैट इज ए प्लस योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, सो ई की पावर थ्री बाय टू एक्स ये हो गया ई की पावर थ्री एक्स बाय टू एज इट इज डिवाइडेड बाय द कॉफिशेंट ऑफ एक्स दैट इज थ्री बाय टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू. ई की पावर माइनस एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स बाय टू एज इट इज आएगा डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस वन बाय टू प्लस टू टाइम्स ई की पावर एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर एक्स बाय टू एज इट इज डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स दैट इज वन बाय टू प्लस यूर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. सो दिस कैन बी रिटन एज थ्री बाय टू है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो टू बाय थ्री बन जाएगा. टू बाय थ्री ई की पावर थ्री एक्स बाय टू माइनस टू टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस दिस विल बिकम टू इंटू टू फोर ई की पावर एक्स बाय टू प्लस सी वेयर सी इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑल राइट, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर का क्यूब
डी एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का क्यूब डी एक्स। ऑल राइट, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास x² प्लस 1/x² का क्यूब है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का क्यूब। तो क्या होता है a प्लस बी का क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमने a प्लस बी का होल क्यूब की एक्सपेंशन यहाँ लगा ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² की पावर 3 का मतलब हो गया x की पावर 6, 1/x² की पावर 3 का मतलब हो गया x 1/x की पावर 6, प्लस 3 टाइम्स x² से x² आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल राइट, x² से x² आपका कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 3 × x², सो दिस विल बिकम 3x² प्लस 3/x² और पूरा हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस बिकम्स x^6 dx प्लस इट विल बिकम x^-6 dx प्लस 3, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लीजिए, x² dx प्लस 3x^-2 dx, ठीक है ना। 1/x^6 को लिख सकते हैं x^-6, और 1/x² को लिख सकते हैं x^-2। सो नाउ दिस बिकम्स x^6 का इंटीग्रेशन, इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज पावर x^7/7 प्लस x^-6 है तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर आप 1 इंक्रीज कर देंगे तो -6 + 1 इट विल बिकम -5 डिवाइड बाय -5 प्लस 3 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन x³/3, अब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये, प्लस 3 टाइम्स x^-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x^-2 + 1, सो दैट विल बिकम -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी। सो ये हमारे पास आ गया x^7/7, इट इस कैन बी रिटन एज माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 x^5 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा x³ एंड इट इज -3 × 1/x प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो इसी में अब हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज योर 2x - 3x² डिवाइड बाय 6^x dx। नाउ दिस इज 2x - 3x का होल स्क्वेयर, सो यहाँ पे भी हम a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाते हैं, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय 6^x। देखो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, सो आई राइट इट लाइक दिस, 2 × 3^x। ऑल राइट, सो इट इज इक्वल टू 2^2x प्लस 3^2x माइनस 2 × 2^x × 3^x डिवाइड बाय 2 × 3^x को हम लिख सकते हैं 2^x × 3^x dx। नाउ अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं इन फंक्शंस को, सो इट इज
2 raised to the power 2x upon 2 raised to the power x into 3 raised to the power x plus 3 raised to the power 2x upon 2 raised to the power x into 3 raised to the power x minus 2 into 2 की पावर x into 3 की पावर x divided by 2 की पावर x into 3 की पावर x integration with respect to x. So this is equal to, अब यहाँ पर sum और difference है functions का, तो इसको उसी तरह से हम integrals के sum और difference की form में लिख लेंगे. तो 2 raise to the power 2x upon 2 की पावर x into 3 की पावर x, तो 2 की एक पावर x जो है यहाँ से कट जाएगी, हमारे पास बचेगा 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x dx प्लस इसी तरह से यहाँ पर 3 की एक पावर x कम हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x dx माइनस 2. यहाँ पर ये 2 की पावर x 3 की पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये बचा हमारे पास माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx. ठीक है, नाउ आप आगे क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में, देखिए 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज 2 बाय 3 की पावर x, ठीक है, प्लस 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x को लिख सकते हैं 3 बाय 2 की पावर x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, a की पावर x dx वेयर a इज कांस्टेंट. यहाँ पर देखिए 2 बाय 3 एक कांस्टेंट है, उसकी पावर x है, 3 बाय 2 एक कांस्टेंट है, उसकी पावर x है, तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन जहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट हो क्या होता है, a की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ऑलराइट, अब ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा लीजिए, तो क्या आएगा देखो, a की पावर x dx इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो a की पावर x एज इट इज आता है, तो ये हो गया 2 बाय 3 की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, सो डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 बाय 3 प्लस 3 बाय 2 की पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 बाय 2 माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज x प्लस c विच इज योर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाय 3 dx. सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर ए प्लस ए रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन ए डी एक्स वेयर एक्स इज वेरिएबल एंड ए इज कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर फोर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3 रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 3 dx. फिफ्थ क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx. अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x. पहला फंक्शन है 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब आपने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1. थर्ड क्वेश्चन है e रेज टू द पावर 2x का स्क्वायर प्लस a रेज टू द पावर 2x स्क्वायर. फोर्थ क्वेश्चन इज e raised to the power x plus e raised to the power minus x whole square.
फिफ्थ क्वेश्चन इज 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस सी। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।